उत्तराखंड सरकार ने सीएम हरीश रावत के सीडी स्टिंग की जांच सीबीआई से वापस लेने की सिफारिश की है। देहरादून में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाया जाएगा। ये एसआईटी मुख्य सचिव की अगुवाई में बनेगी। सरकार का तर्क है कि इस तरह के मामलों में जांच का अधिकार राज्य को है। आपको बता दें कि 26 मार्च को पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने एक सीडी जारी की थी। इस सीडी के जरिए ये आरोप लगाया गया कि हरीश रावत विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान ही 2 अप्रैल को सीबीआई को जांच सौंपी गई, तब से स्टिंग की जांच सीबीआई कर रही है। आज हमने सीबीआई से जांच को वापस करने का निर्देश प्रस्ताव पास कर दिया मंत्रिमंडल से, और अपनी एजेंसी से चीफ सेक्रेटरी को अधिकृत कर दिया, वो एसआईटी का गठन तत्काल कर दे, सीबीआई की जांच में कोऑपरेट करें, और अगर सीबीआई जांच उनको निर्दोष पाती है तो उनका सम्मान भी बढ़ेगा और जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। सीबीआई ने 9 मई को पूछताछ के लिए हरीश रावत को दिल्ली बुलाया था, लेकिन रावत दिल्ली नहीं गए थे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के बाद अब नीतीश कुमार मिशन दिल्ली पर हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर वाहवाही लूटने के बाद आज वे यूपी पहुंचे और शराबबंदी को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नीतीश ने कहा कि शराबबंदी के बाद बिहार में महिलाएं काफी खुश हैं, बच्चे काफी खुश हैं और जो शराब पीते थे वो भी खुश हैं। नीतीश ने महिलाओं से अपील की कि जहां भी शराब की भट्टी दिखे वे उसे तोड़ दें। नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार में कानून में संशोधन किया गया है और शराब से मौत पर उसे बनाने वाले और बेचने वाले दोनों को मौत की सजा मिलेगी। इस मौके पर नीतीश कुमार ने यूपी सरकार पर भी निशाना साधा। हालांकि नीतीश के कार्यक्रम का लखनऊ शराब एसोसिएशन ने विरोध किया। अब आप जान लीजिए बिहार की कहानी। मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर और लखनऊ की धरती पर इस बात को सुनाता हूँ। घबराइए नहीं अखिलेश जी, लागू कीजिए। उनके अधिकारी शराब पीते, उनके मंत्री शराब पीते और उनके लोग आके उत्तर प्रदेश में शराब पीते। नीतीश कुमार भले ही यूपी में शराबबंदी की बात कर रहे हों, लेकिन एसपी नेता रामगोपाल यादव का कहना है कि बिहार के मंत्री और अफसर जमकर शराब पी रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों को चार्जशीट में क्लीन चिट देने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का कहना है कि मालेगांव मामले में सरकार का दखल है और पुख्ता जांच को ही उल्टा कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर मको का हटाया गया है। साथ ही उन्होंने एनआईए के डीजी के सर्विस एक्सटेंशन पर भी सवाल उठाए हैं। आनंद शर्मा ने आरोप लगाया है कि डीजी को एक्सटेंशन देकर ये काम करवाया जा रहा है। इसके अलावा आनंद शर्मा ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सारे दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और इसी वजह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का पक्ष कमजोर हो रहा है। आनंद शर्मा ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल पर भी सवाल उठाए हैं। मौजूदा अध्यक्ष ये बयान देना कि 2008 के बाद कुछ नहीं, प्रश्न ये नहीं है कि कौन संगठन, कौन जात, कौन धर्म, कौन से क्षेत्र के लोग थे, हमने ये बात कभी नहीं कही। पर क्या एक एनआईए के मुखिया को ये बात कहनी चाहिए? एनआईए और होम मिनिस्ट्री के बीच में, और होम मिनिस्ट्री, होम सेक्रेटरी और पीएमओ के बीच में, एनएसए के बीच में, सर्वोच्च न्यायालय तमाम फाइल, तमाम नोटिंग, तमाम कागजात अपने कब्जे में है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की और मामले के कागजात अपने कब्जे में लेने की अपील की है। गुजरात के दाहोद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस योजना की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। दाहोद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल होने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब लोगों के घरों में रोशनी फैलाने में लगे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत जल्द हमारी माताओं और बहनों को धुएं से निजात मिल जाएगा। झाबुआ के 500 परिवारों को नए गैस कनेक्शन की सौगात मिलने पर सीएम ने पीएम की तारीफ की। 3 राज्यों में शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल होने दाहोद जिले के खरोड़ गांव में शिवराज सिंह चौहान के साथ गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंची। 1-2 लाख लोगों के नहीं, 5 करोड़ बहनों को मिलेगा। इससे बड़ा उपहार बहनों के लिए कोई हो नहीं सकता जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और इस कारण मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को सिंहस्थ में आने का न्योता दिया, तो वहीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सिंहस्थ के आयोजन के लिए शिवराज सिंह की जमकर तारीफ की।
दिल्ली में नगर निगम के 13 वार्ड्स के उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटिंग के लिए 200 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए थे। दिल्ली एमसीडी के जिन 13 वार्ड्स में आज उपचुनाव की वोटिंग हुई, उसमें से 9 वार्ड्स साल 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्षदों के विधायक चुन लिए जाने के बाद से खाली हुए थे, जबकि बाकी के 4 वार्ड्स पिछले विधानसभा चुनाव के बाद खाली हुए। इनमें साउथ एमसीडी में 7, नॉर्थ में 4 और ईस्ट एमसीडी में 2 वार्ड्स शामिल हैं। उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी समेत कुल 90 से ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी चुनाव लड़ रही है। वोटों की गिनती मंगलवार 17 मई को होगी। भले ही ये उपचुनाव हो, लेकिन 2017 में होने वाले एमसीडी चुनाव के मद्देनजर ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। यूपी शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए हैं। यहाँ भी लड़कियों ने बाजी मारी है। रायबरेली के सौम्या पटेल ने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है, तो बाराबंकी की साक्षी वर्मा ने 12वीं में टॉप किया है। 12वीं में कुल 87.99% छात्र और छात्राएं पास हुई, तो 10वीं में कुल 87.66% छात्र और छात्राएं पास हुई। रिजल्ट को छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इस बार 67,93,034 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 37,50,977 छात्र 10वीं और 29,24,748 छात्र 12वीं के हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार 3,69,836 परीक्षार्थी अधिक शामिल हुए हैं। इस बार 2,00,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने बीच में ही अपनी परीक्षा छोड़ दी थी, जो अब तक का एक बड़ा ड्रॉप आउट है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर को गिरफ्तार किया गया है। इस आतंकी के पास से आधार कार्ड भी जब्त किया है। फिदायिन हमले की फिराक में घूम रहे जैश के आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया। सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में रहमान को बारामूला के हाजीबल से गिरफ्तार किया गया। रहमान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला है और उसने जनवरी में 4 आतंकियों के साथ जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की थी। जम्मू कश्मीर में रहते हुए रहमान ने अपना आधार कार्ड भी बनवाया है, जिस पर उसका नाम शब्बीर अहमद खान लिखा गया है। सेना के मुताबिक पिछले 2 महीने में रहमान 7 बार बारामूला आया था और उसने आतंकियों के भर्ती की भी कोशिश की थी। गुजरात के सूरत में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया के चचेरे भाई भरत तोगड़िया समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हमले में एक चौथा शख्स भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। शुरुआती जांच में हत्या की सही वजह का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि मामले को जमीन विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि भरत तोगड़िया शनिवार शाम को प्रॉपर्टी डीलर बालू भाई हिरानी के ऑफिस में बैठे थे। इस दौरान अशोक पटेल और महेश यादव भी उनके साथ थे। तभी 4 से 5 अज्ञात हमलावरों ने ऑफिस में घुसकर बालू भाई हिरानी पर चाकू से ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। इस दौरान बीच बचाव के लिए आगे आए भरत और अशोक पटेल भी चाकूबाजी की चपेट में आ गए और बुरी तरह जख्मी होने के बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बालू भाई और महेश यादव को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। जो आदमी जिंदा है उसने बताया कि वो बालू भाई को मारने लगे तो उसमें उसको भी लगा, वो हाथ मारने का इरादा जो है बालू भाई को मारने का इरादा था, ऐसा प्राथमिक प्राइमरीली ऐसा लगता है। क्या कुछ पॉलिटिकली कनेक्शन कुछ लग रहा है आपको? अभी हम वो ढूंढ रहे। इलाज के दौरान बालू भाई की भी मौत हो गई और महेश यादव की हालत भी नाजुक बनी हुई है। तेलंगाना के आदिलाबाद में बीती रात भीषण एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई वो सब एक ऑटो रिक्शा में सवार थे। लोगों के मुताबिक ट्रक ने ऑटो रिक्शा को तेजी से टक्कर मारी, जिसके बाद ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है। मरने वालों में 5 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 की मौत अस्पताल में हुई। मरने वाले सभी महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के भोकार मंडल के रहने वाले थे और वो निजामाबाद में ईंट भट्टे में काम करते थे। फुटबोर्ड पर यात्रा करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी झलक दिखाई पड़ी मुंबई में, जहां फुटबोर्ड पर यात्रा कर रहा एक यात्री हादसे का शिकार हो गया। ये पूरा हादसा एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।
ये दर्दनाक हादसा 13 मई की सुबह करीब 5 बजे हुआ, जब जगमोहन जायसवाल नाम का ये शख्स कलवा स्टेशन से छूटी लोकल के फुटबोर्ड पर खड़े होकर सफर कर रहा था, लेकिन अचानक ट्रेन के पोल से जगमोहन का हाथ छूट गया और वो चलती ट्रेन के नीचे चला गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स ने जगमोहन का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। डॉक्टरों के मुताबिक जगमोहन को गंभीर हेड इंजरी के साथ साथ मल्टीपल रिब फ्रैक्चर, पेल्विस फ्रैक्चर, पैर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। यूपी का रहने वाला जगमोहन मुंबई में मजदूरी करता था। फिलहाल पुलिस जगमोहन के परिजनों की तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक नाव गंगा नदी में डूब गई है। नाव के डूबने से कई लोग लापता हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक नाव ओवरलोड होने की वजह से डूब गई। लोगों का आरोप है कि नाव डूबने के कई घंटों बाद भी प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया। मदद नहीं मिलने से नाराज लोगों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने एक मोटर बोट और एक नाव को आग लगा दी। वहीं प्रशासन का कहना है कि सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है जब यह हादसा हुआ उस वक्त नाव पर 150 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जबकि नाव पर बैठने की क्षमता 60 से 70 लोगों की ही थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु दिनारा से रतनगढ़ जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। हादसे में 41 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक चलते ट्रैक्टर में ड्राइवर बदल रहे थे, इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और गहरी खाई में जा गिरा। खाई में गिरने के बाद ट्रैक्टर के नीचे दबने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य की मौत करेरा अस्पताल आते हुए रास्ते में हो गई। ट्रैक्टर में लगभग 70 सवारियां भरी हुई थी। दिनारा पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से ट्रॉली हटाकर घायल और मृतकों को निकाला गया और 108 की मदद से घायलों और मृतकों को करेरा अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में से 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। कानपुर में घर की छत पर खड़ी होकर बारात देख रही कुछ महिलाओं के साथ दर्दनाक हादसा घट गया। भारी वजन होने की वजह से छज्जा गिर गया, जिसमें तमाम महिलाएं दूसरी मंजिल से गिरकर जख्मी हो गई। घटना कानपुर के सिठमरा की है, जहां मोहल्ले की महिलाएं एक मकान की छत से बारात देख रही थी कि अचानक हादसा हो गया। बारात में डांस देखने के लिए करीब 50 से ज्यादा महिलाएं एक मकान और उसके छज्जे पर मौजूद थी कि अचानक मकान का छज्जा ज्यादा वजन की वजह से नीचे गिर गया। छज्जा गिरते ही कई महिलाएं भी 2 मंजिला मकान से नीचे गिरकर घायल हो गईं। ये वीडियो बारात में से ही किसी शख्स ने बनाया। घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज जारी है। 40-45 कितने लोग घायल हुए? लगभग सभी घायल है, जितने गिरे। किस गांव में बारात आई थी? बारात आई थी अभी सिद्धमरा। इस पूरी घटना में राहत की बात ये रही कि अब तक इस दुर्घटना में किसी की भी जान जाने की खबर सामने नहीं आई है। यूएस एम्बेसी की पूर्व कर्मचारी लीना के शव का भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि अस्पताल ने दोस्तों को लीना का शव देने से इनकार कर दिया। कल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सतपुड़ा के जंगल से लीना का शव बरामद हुआ था। दरअसल पुश्तैनी जमीन का विवाद सुलझाने दिल्ली से मध्य प्रदेश आई थी लीना शर्मा, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। इसके बाद दोस्तों ने लीना को ढूंढने की मुहिम छेड़ दी। लीना के गुम होने के 13 दिन बाद खुलासा हुआ कि लीना अब इस दुनिया में है ही नहीं, उसकी हत्या हो चुकी थी। हथियारों ने हत्या के बाद लीना के शव को एक नाले में रखकर उसे नमक और यूरिया से दबा दिया था, ताकि शव जल्द से जल्द गल जाए। लीना की हत्या का आरोप उसी के सगे मामा प्रदीप शर्मा पर लगा है। हत्या जमीन विवाद को लेकर हुई है। दिल्ली के वसंत विहार में रहने वाली लीना बीती 28 अप्रैल को भोपाल आई थी। भोपाल में अपने दोस्त के यहाँ एक दिन रुकने के बाद वो होशंगाबाद के सुहागपुर के लिए निकली थी। राजस्थान के अजमेर में जेलन हॉस्पिटल के शिशु रोग विभाग में 5 बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। एक साथ इतने बच्चों की मौत के बाद अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल प्रशासन इन बच्चों की मौत को बीमारी के चलते कमजोरी बता रहा है। उधर जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने उन दवाओं का अस्पताल और सभी मेडिकल स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं जो दवाएं इन बच्चों को दी गई थी। जेलन हॉस्पिटल में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला रात करीब 11:30 बजे शुरू हुआ, जो सुबह 6 बजे तक जारी रहा। बात जब शिशु रोग विभाग के बाहर निकली तो हड़कंप मच गया। डॉक्टर्स रात भर अफसरों और मीडिया से बात छिपाते रहे। इस बारे में कहीं अगर रही है कि इसका जो कहां पे रही अब
हो सकता है रेजिडेंट उसमें ट्रीटमेंट कर रहा हो, फिर जो अटेंडेंट आ जाते हैं उनको उसको करने में रह जाते हैं सुबह, तो हो सकता है उसको करने में रही क्या रही, तो हम उसमें और उसको सही कर लेंगे। इस मामले में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने नजर आ रही है। बाराबंकी में महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले कलयुगी बाबा की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि ये ढोंगी बाबा अभी भी पुलिस की गिरफ्त के दूर है। महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने वाला बाबा अभी भी फरार है। पुलिस कलयुगी बाबा की तलाश में छापेमारी कर रही है। निसंतान महिलाओं को संतान देने के नाम पर उनके साथ अश्लील हरकत करने वाले बाबा के आश्रम से पुलिस को कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। पुलिस बाबा के रिश्तेदारों और उनके नजदीकियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस की जाँच में आरोपी बाबा का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक बाबा के खिलाफ पहले ही 9 मुकदमे दर्ज हैं। लगातार दबिशें दी जा रही हैं, कुछ उनके जानने वाले कुछ रिश्तेदारों से पूछताछ भी चल रही है और शीघ्र अरेस्ट किया जाए। पुलिस ने आज बाबा का गोपनीय कमरा भी खुलवाया, जहां से धारदार चाकू के अलावा कई अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां मिली हैं। पुलिस का दावा है कि बाबा को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। यूपी के सीतापुर में वक्त में इलाज न मिलने पर एक मासूम की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन पर पैसा नहीं होने पर इलाज न करने का आरोप है। मामला परसैनी स्वास्थ्य केंद्र का है। यहां के डॉक्टर ने गर्भवती महिला का इलाज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे पैसे नहीं दिए गए। पीड़ित दर्द से परेशान थी, इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने उसे लावारिसों की तरह बेड पर ही छोड़ दिया। महिला को ऑपरेशन थिएटर तक नहीं ले जाया गया। अस्पताल के बेड पर ही महिला की डिलीवरी हो गई। तड़प तड़प कर मासूम ने अस्पताल के बेड पर ही दम तोड़ दिया, लेकिन अस्पताल की किसी डॉक्टर ने सुध नहीं ली। डॉक्टरों ने जब बच्चा पैदा हो गया अपने आप डॉक्टरों से कहा गया, बार बार अनुरोध किया गया कि बच्चे को देख लीजिए, मगर कोई मौके पर नहीं आया देखने कि देखकर उसकी सही इलाज करें, उपचार करें। जब बहुत कहने पर आए भी तो ऑक्सीजन की कमी बताया और 10,000 रुपयों की मांग की और कहा 10,000 रुपये दे दो तो यही ऑक्सीजन लगवा दूंगा या अन्यथा रेफर कर दूंगा। ना देने के कारण मेरे बच्चे की मृत्यु वही अस्पताल में हो गई। बात जब सीएमओ तक पहुंची तो कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। अब ये प्रथम दृष्टया इस प्रकार से संज्ञान में आया है। जांच में ये भी तय निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से निकल करके आ जाएगा कि इस प्रकार का अगर कोई पैसे के बारे में या किसी प्रकार के बारे में लेन देन के बारे में बात हुई है, उसके कारण इलाज करने में कोताही बरती गई है, तो जांच में जो भी निकलेगा उस पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है और परिजनों ने आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। यूपी में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के तालीम के बोर्ड मदरसा बोर्ड के साथ शिक्षा विभाग के भेदभाव की चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी में मदरसा बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन में उर्दू के अध्यापकों को जमीन में बैठाकर कॉपियां चेक कराई जा रही है। यही नहीं, मदरसा बोर्ड के अध्यापकों का आरोप है कि यूपी बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन से भी कम पैसा मदरसा बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन में दिया जाता है। अल्पसंख्यकों में इस बात को लेकर भी गहरी नाराजगी है कि जो सरकार यूपी बोर्ड में 68 लाख छात्रों की कॉपीज के मूल्यांकन में अध्यापकों का पैसा देने में देर नहीं करती, वहीं मुस्लिमों की हमदर्द कहने वाली सरकार पिछले 4 वर्षों से मदरसा बोर्ड के महज 4 लाख छात्रों की कॉपीज का मूल्यांकन का बकाया आज तक नहीं दे पाई है। चुनांचे 2009 के अभी भी जवाबी कापियों की जांच के मुआवजे बाकी हैं और इस सिलसिले में ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन भी मुतहरिक और कोशां रहती है और हुकूमत से मुतालबा करती रहती है, लेकिन शायद हुकूमत की बेतवज्जुही और मदरसा बोर्ड की बेइल्तिफाई, ये दोनों मसले ऐसे हैं तो उसकी वजह से ये मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। यूपी बोर्ड में कॉपियों को चेक करने के लिए 10वीं के लिए 8 और 12वीं के लिए 10 रुपए दिए जाते हैं, जबकि CBSE बोर्ड में 10वीं के लिए 15 और 12वीं के लिए 20 रुपए दिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ICSE बोर्ड 20 से 30 रुपए तक देता है। यूपी के फैजाबाद में कुछ लोग हथियारों से ट्रेनिंग ले रहे हैं और हथियारों से ट्रेनिंग ले रहे ये लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। ये नौजवान एक बेहद संजीदा ट्रेनिंग सेशन से गुजर रहे हैं। इनके पास बंदूकें हैं। ये बिल्कुल वैसी ही ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं जैसे पुलिस या फौज को दी जाती है। घात लगाना, दुश्मनों को ट्रैक करना और फिर उस पर हमला करना और फिर अपने घायल साथी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना। पहली नजर में ये किसी सुरक्षा एजेंसी का मॉक ड्रिल लग सकता है। आपको धोखा हो सकता है कि सादी वर्दी में ये सुरक्षा एजेंसियों के जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जवान असल में बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। बजरंग दल के कर्ता धर्ताओं का कहना है कि इस ट्रेनिंग कैंप में कार्यकर्ताओं को आपदा के हालात से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है और इसका मकसद युवाओं का बौद्धिक विकास और समाज की सेवा करना है।
ये हम अपने युवाओं को चाहते हैं कि अपने युवा वैचारिक रूप से पुष्ट हों और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। जिस प्रकार की कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी कि इस राष्ट्र की रक्षा के लिए सशक्त युवा होना चाहिए, उस प्रकार का उनका वैचारिक से शारीरिक रूप से पुष्ट युवाओं का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। आपको बता दें, बजरंग दल की कार्यशैली को लेकर इससे पहले भी कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। राजस्थान के कोटा में छात्रों के बीच झड़प मामले में पुलिस ने 10 छात्रों को नामजद आरोपी बनाया। 2 छात्रों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस ने सभी आरोपी छात्रों की शिनाख्त की। आपको बता दें कि कोटा में बिहार के रहने वाले कोचिंग छात्र पर बड़ी संख्या में छात्रों ने हमला कर दिया था, जिसमें कोचिंग छात्र की मौत हो गई थी। वारदात महावीर नगर की है। बिहार के नवादा का रहने वाला सत्य प्रकाश उर्फ प्रिंस मेस पर खाना खा रहा था, तभी करीब 100 से 125 लड़कों ने उस पर चाकू और शरीर से हमला कर दिया। गंभीर हालत में सत्य प्रकाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। संदीप ने सत्य प्रकाश को बचाने की कोशिश की तो लड़कों ने उसे भी पीटा। संदीप अस्पताल में भर्ती है। 18 साल का सत्य प्रकाश 3 साल से कोटा में रहकर कोचिंग कर रहा था। दिल्ली के बसंत कुंज थाने में नशे में धुत एक लड़की ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान उसने पुलिस कर्मियों से हाथापाई भी की। ये नजारा बसंत कुंज थाने का है, जहां शराब के नशे में चूर इस लड़की ने पुलिस वालों को जमकर परेशान किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहले ये लड़की अपना फोन और टैबलेट दिखाती है और फिर इस महिला कांस्टेबल पर हमला कर देती है। जवाब में महिला कांस्टेबल भी इस लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, जिसके बाद बीच बचाव करने एक दूसरा कांस्टेबल भी आ जाता है, लेकिन नशे में धुत ये मैडम उस कांस्टेबल को भी मारने की कोशिश करती है। हंगामा करने वाली लड़की नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली है और दिल्ली के मुनिरका इलाके में रहती है। नशे में धुत ये लड़की आज सुबह वसंत कुंज थाने में लूटपाट की शिकायत कराने पहुंची थी, जहां उसने बहस होने के बाद पुलिसकर्मियों से हाथापाई की। हरियाणा के जिंद में एक टीचर ने 7 साल की छात्राओं को 1000 बार उठक बैठक करने की सजा सुना दी। मामला एक सरकारी स्कूल का है। बताया जा रहा है कि छात्राओं ने होमवर्क नहीं किया था, तो शिक्षक ने 1000 बार उठक बैठक करने की सजा सुना दी। यही नहीं, महिला टीचर ने छात्राओं को जमकर पिटाई भी की। काफी देर तक छात्राएं उठक बैठक करती रही, लेकिन जब वो थक गई तो असहाय होकर गिर पड़ी। ज्यादातर छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। टीचर के खिलाफ विभागीय जांच की बात भी कही जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। पूरे देश में पड़ रही भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून आने में और देरी हो सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि मॉनसून में करीब 1 हफ्ते की देरी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर 1 जून को केरल में आने वाला मॉनसून इस बार करीब 7 जून तक दस्तक दे सकता है। अमूमन केरला में मानसून 1 जून के आसपास आता है, लेकिन इस साल इसमें थोड़ी देरी होगी और ये लगभग 7 जून के आसपास आएगा। बंगाल खाड़ी की तरफ मानसून नॉर्मल या सही समय पे आ रहा है और अंडमान निकोबार में भी मानसून सही समय में पहुंच जाएगा। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। अगर केरल के तट पर मानसून 1 हफ्ते की देरी से आया तो दूसरे राज्यों में भी मानसून की देरी से आने का असर पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो इस साल सामान्य से 6% ज्यादा बारिश होगी।